तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, और दिया है कनक मतलब कि जी 2, 4 और 20, उसके बाद ऊपर है 3, 9 और कनक मतलब 90 और 1, 7 इक्वल टू फाट दिया, और फाट ऑप्शन में दिया है 20, 25, 50, 75। तो अगर देखेंगे आपको इसके तो पैटर्न को, तो इसमें क्या है कनक मतलब कि जो 50 बोल रही है, हाँ तो 50 तो है, ठीक है ठीक है, 50 है आंसर इसका। तो इसमें क्या है कनक मतलब कि इसका इलेबोरेट कर रहे हैं जो ऑप्शन है उसे। कनक मतलब यहाँ पर है कनक मतलब 2 और 4, तो इसमें क्या किया है कनक मतलब कि जो 2 का स्क्वायर किया है, और यहाँ पेन का यूज करते हैं, 2 का स्क्वायर और इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 4 जो है यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया है तो कनक मतलब 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से 20 आया है वहाँ पर नीचे, और जब 20 आया है तो उसके बाद नेक्स्ट वाला में जाएंगे आप, तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन में, तो और नेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाएंगे आप, तो कनक मतलब कि 3 है या 9 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे आप, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो 9 प्लस 81 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इस तरह से 90 है वहाँ पर। उसी के तरह से आप जाएंगे दूसरे में कनक मतलब यहाँ पर, तो हमें निकालना है उसमें, फाइंड आउट करना है, तो हमें 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कनक मतलब 49। तो 1 प्लस 49 जब ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन में देखना है 50 है कि नहीं, तो ऑप्शन ए नंबर 20 है, बी नंबर 25 है और सी नंबर 50 है, तो सी नंबर ऑप्शन सी नंबर से हमें चल जाना है। इस तरह से सब में लॉजिक फिट हो जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे जब हम, तो क्या है उसमें करने का मतलब कि जो ऊपर है जो 12 है, उसके बाद 8 है और 80 है, और 16, 7, 7 और 27 है, 25, 21 इक्वल टू हाट है। तो ऑप्शन में दिया है 184, 210, 241, 245। हाँ तो इसका भी आंसर ठीक लग रहा है मुझे, 184। तो देखते हैं इस तरह का किस तरह से 184 आएगा। तो हमें क्या करना है इसमें पैटर्न देखना है, तो हमें ऐड करेंगे फर्स्ट वाला, देखिए 8 से शुरू करते हैं हम लोग किसी में, तो इसमें 12 प्लस 8 करेंगे तो सिर्फ 20 होगा, लेकिन यहाँ पर 80 दिया है तो 20 तो नहीं होगा, तो इसलिए ये ऐड वाला नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट वाला भी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 12 इंटू 8 करेंगे तो 96 आएगा, लेकिन यहाँ पर 80 दिया है तो ये भी नहीं होगा, डिवाइड भी करेंगे तो नहीं होगा, तो हमें स्क्वायर वाला फॉर्मेट में चलना है। ये सारे चीज खत्म होने पर या स्क्वायर वाला पर, और अगर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि स्क्वायर वाला पैटर्न पर जाना है तो और बेहतरीन होगा, तो इसलिए हमें स्क्वायर वाला पैटर्न पर जाते हुए 12 को, हाँ 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्क्वायर वाला पैटर्न हम लोग करते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। तो 144 माइनस 64 घटाएंगे तो हम लोग का 80 आंसर आ जाएगा, तो 80 यहाँ पर दिया है, ठीक है। ऑप्शन एक से जो एक का सेटिस्फाई होगा रूल, दूसरे में देखते हैं लगाकर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो दूसरे में क्या है, 16 है और 7 है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 16 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 256, और उसके बाद 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कनक मतलब 49 हो जाएगा, तो 256 माइनस 49 करेंगे तो 207 हो जाएगा। तो इस तरह से 7 ये भी रूल सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसीलिए जो जिसमें हमें व्हाट का ऑप्शन दिया है उसे निकालना है, तो उसमें हम लोग यही रूल लगाएंगे, तो कितना होगा, 25 है, तो 25 का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर वाला मैं 5 डिजिट का बता दूँ, स्क्वायर इस तरह का आएगा तो किस तरह से करना है इसमें एक टेक्निक बता दे रहा हूँ, ठीक है, पहले ये सॉल्व कर लें, तो 625 हो जाएगा। उसके बाद करने के मतलब 21 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 441 आएगा, तब जब हम 625 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 441, तो हमें आंसर आ जाएगा 184। तो जो ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ए नंबर में है, तो ऐसे हमें चल जाना है ऑप्शन ए से। अब इस तरह के फाइव क्वेश्चन
कोई भी नंबर एंडिंग विथ 5 होगा तो उसका स्क्वायर किस तरह से हम इजीनेस अवे में निकाल सकते हैं। सपोज मानिए 15 का हमें ये पहला 25 ही का निकाल कर देखते हैं। 25 का स्क्वायर निकालना है और हमें याद नहीं है कि इसका स्क्वायर करने का मतलब 625 होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो ये फर्स्ट डिजिट है 5, इसे स्क्वायर कर लेना है हमें। तो 5 का स्क्वायर तो किसी को मालूम होगा ना कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 हमें लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 से बड़ा जस्ट जस्ट उसका एक्सीडिंग नंबर क्या होता है, 3 होता है। ग्रेटर देन 2 करने का मतलब जस्ट 3 होता है, तो 3 × 2 कर देना है तो कितना हो गया 6। तो अब यहाँ पर 625 हो जाएगा, 625। इसी तरह से आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। एक एक और ले रहे हैं हम लोग, जिस तरह से कि 20 सपोज 15 का स्क्वायर निकालना है हमें, 15 का स्क्वायर नंबर निकालना है तो हमें याद नहीं है 15 का स्क्वायर कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 25। उसके बाद 1 से जस्ट ग्रेटर या इसके एक्सीडिंग नंबर, इससे आने वाला आगे आने वाला नंबर क्या है, 2 है, तो 2 है, 1 × 2 होगा, तो 2 करने का मतलब 225, 15 का स्क्वायर 225। इसी तरह से कितने भी बड़ा नंबर को आप स्क्वायर निकाल सकते हो। इस तरह से आप स्क्वायर 5 एंडिंग विथ नंबर एंडिंग विथ 5 को स्क्वायर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे तो आप क्या है, 25 है सर, इसमें ऊपर का ऐड करके फिर 4 से मल्टीप्लाई भी। हाँ, देख रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर का ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो ऊपर के ऐड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, ऊपर का ऐड करेंगे तो हम लोग तो एक ही सात सात ना, अच्छा ठीक है मैं देख रहा हूँ, क्या इसमें 25 है, 25 एंड 17 है, तो 25 + 17 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ से होगा, वो 4 से नहीं हुआ, वो नहीं हो सकता, इसमें ये नहीं मैच कर रहा। यहाँ पर भी देख रहे हैं वो 4 वाला आपका आइडिया है, जो कहने का मतलब 38 + 18 है तो उसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 56। 56 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा ही नहीं, नहीं हुआ। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, इसे को ऐड करते हैं लेकिन डिवाइड वाला दूसरे नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से तो नहीं आया, लेकिन 25 प्लस, जब हम लोग करेंगे 25 + 17 तक करने मतलब 42 आ गया, 42 आ गया। तो 42 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से तो कितना 6 आ जाएगा, तो 6 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका ऐड करेंगे तो 56 आया, 38 + 18 करने मतलब 56, 56 डिवाइडेड बाई हम लोग 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हाँ तो सेटिस्फाई, रूल सेटिस्फाई हो रहा है, 7 से हमें डिवाइड करना है ऊपर का ऐड कर कर, तो 7 से डिवाइड करने के लिए अब यहाँ पर आएंगे 89 + 16 का, तो 89 + 16 कितना हो जाएगा, 19 + 105, 105 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 15, 15 ऑप्शन में है, देखिए 15 ऑप्शन में है तो 15 हो जाएगा आंसर, देख रहे हैं। हाँ ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 15, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी से चल रही है 15, ठीक है राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 में चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे तो ये थोड़ा देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि इसमें दिया है 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, हाँ 4 राइट है, राइट है, राइट है ऑप्शन, 4 राइट है। तो इसमें क्या है कि आपने ट्रिक कौन सा लगाया है, 4 में कौन सा ट्रिक है आपका, ट्रिक बताइए, ट्रिक कोई कौन सा ट्रिक आपने बताया, 4 नंबर ठीक है, ठीक है 4 नंबर ऑप्शन। तो इसमें क्या है कि मतलब कि जो हमें जो 100 दिया है, 25 दिया है, 100 दिया है, 25 दिया है, तो ये सब स्क्वायर नंबर है, तो हमें सभी स्क्वायर नंबर को ऐड करना है। तो सभी स्क्वायर नंबर को ऐड करते हैं, यहाँ पर भी देखिए पहले पहले यहाँ पर भी जो सेकेंड वाला है 25 5 81 36, सब स्क्वायर नंबर है तो इसे भी हमें स्क्वायर नंबर में ले सकते हैं। उसके बाद ये भी 25 25 25 25, 4 स्क्वायर नंबर है, उसमें व्हाट वाला में भी 36 49 9 16, सब स्क्वायर नंबर में है, तो हमें स्क्वायर नंबर के है तो स्क्वायर नंबर के हिसाब से चलते हैं क्या करना है उसमें। तो उसमें हमें क्या कर सकते हैं कि पहले शुरू में
जो 10 है, 10 10 का रूट करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 10 रूट 100 रूट सॉरी 100 रूट प्लस 25 रूट प्लस 100 रूट प्लस प्लस कितना है, फिर 25 रूट, तो टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, इसका 10 होगा प्लस इसका 5 प्लस इसका 10 प्लस इसका 5, सबका कितना होगा 20 30 30 हो गया। लेकिन जो इसका बीच में दिया है वो करने का मतलब 6 दिया है, तो 6 दिया है तो हमें डिवाइडेड बाई 6 कर कर देखो, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 6 करो तो कितना 5 आ गया, 5। तो देखो सब में 5 से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो हमें यहाँ पर अब ऑप्शन नंबर 2 में जाना है। ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में जाने के लिए क्या होगा यहाँ पर, कि जो उसमें 25 है, 25 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 का रूट 5 प्लस फिर 25 का रूट 5 प्लस फिर कहने का मतलब 81 का रूट 9 प्लस उसके बाद 36 का रूट 6 हो गया, तो सब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 और 15 25 25 हो गया, और 5 से हम लोग फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जा रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई रूट सेटिस्फाई हो रहा है, कहने का मतलब सबका रूट कर कर हमें ऐड करना है 5 से, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हमें थर्ड में चेक करने का मन करेगा तो कर सकते हैं, नहीं करने का मन करेगा तो डायरेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर थर्ड में चलिए चेक कर लेते हैं। लेकिन कितना है कि 5 है, 25 का रूट 5 फिर 5 फिर 5 और फिर 5, तो कितना हो गया 20 बाई 5, कहने का मतलब 4 आ गया, ये भी सेटिस्फाई है, ठीक है। अब उसमें अब जो व्हाट वाला ऑप्शन है उसमें 36 है, 36 का रूट करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, तो 6 हमें प्लस कर देना है। उसके बाद 49 का रूट करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, तो उसे प्लस कर देना है। 9 का रूट करेंगे तो कितना, 3 होगा, उसे प्लस कर देना है। 16 का रूट 4 होगा, उसे प्लस कर देना है, और डिवाइडेड बाई 5 कर देना है क्योंकि हमें हम सब में 5 से डिवाइड किया है, तो कितना होगा, 10, 7 प्लस 3 10 प्लस 10 20 डिवाइडेड बाई 5 इजक्वल टू 4। ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, ऑप्शन में 4 कहाँ पर है, ए नंबर में 2, बी नंबर में 3, सी नंबर में 4, ऑप्शन 4 से सी से चल जाना है, 4 है उसमें। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप इस ट्रिक अपनाकर यहाँ से ये भी ट्रिक लगाना है, कहने का मतलब कभी रूट लगाना है, कभी स्क्वायर लगाना है, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड, कभी सब्ट्रैक्ट, कभी एड, इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। चलिए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम। 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में एक इस तरह का ट्रेंगल दिया है, और इसमें क्या दे दिया है, यहाँ पर 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 8 दे दिया है, और 48 दे दिया है बीच में, और कहने का मतलब दूसरा वाला में क्या दिया है कि 5 दे दिया है, 7 दे दिया है, और 2 दे दिया है, और व्हाट रखा है। तो इस फर्स्ट पैटर्न को जब देखोगे तुम तो क्या है, 4 × 3 करोगे, नहीं नहीं होगा 48 नहीं होगा, 4 × 3 तो कितना होगा, 12, 12 × 48 नहीं होगा यार, तो इसमें हमें तो 48 है कि नहीं। जब हमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा को, ये 4 को 3 को और 8 को, तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96, और 96 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर 48 आ गया ऑप्शन में, यहाँ पर ये मैच हो रहा है, तो इसमें देखना है हमें उस तरह से कर कर करने, मतलब 5 और प्लस 2 10, 10 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 70 डिवाइडेड बाई 2 करना है तो कितना, 35 हो गया, 35 ऑप्शन में है कि नहीं देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 54, ऑप्शन नंबर डी 64, तो ऑप्शन नंबर बी में 35 है, ऑप्शन नंबर बी से हमें चल जाना है। ये इस तरह से करना है, क्या करना है इसमें करने, मतलब कि जो इसका जो साइड का जितना ट्रेंगल का साइड का नंबर है उसे सबको मल्टीप्लाई कर कर डिवाइड बाई 2 करना है, तो मैच कर रहा है, तो इस तरह से आप 33 में जा सकते हैं और बना सकते हैं। दूसरा कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर जब लोग हम ये इस तरह का ऑप्शन है तो हमें यहाँ पर करने, मतलब जो 12 है, 12 तो ये हम 12 को 84 से डिवाइड करेंगे, 12 को टू लेकिन 84 में 12 से डिवाइड करेंगे तो हमका ऑप्शन जो है कहने मतलब 7 आ जाएगा क्वेशेंट, तो 7 में हम लोग जब 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो जब फिर हम यहाँ पर 9 9 से 81 में डिवाइड करेंगे 9 से, तो
कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 आ जाएगा। तो 18 आ गया और यहाँ पर भी 18 है, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर 11 में 18 से 88 में 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जब हम लोग 8 में इंटू 2 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 16 है कि नहीं। तो ऑप्शन ए में 16 है, ऑप्शन बी में 21 है, ऑप्शन सी में 61 है, ऑप्शन डी में 81 है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप 16 आंसर से जा सकते हैं क्योंकि प्रोसेस भी सब मैच कर रहा है और आंसर भी मैच कर रहा है, ठीक है इस तरह से। अब दूसरा नंबर, इसमें जब हम लोग जब 64 में जैसे 1 का रूट करेंगे, हम लोग क्यूब रूट करेंगे 1 का, तो 1 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा प्लस कितना होगा, ए ए 64 का कितना है, 4 है, प्लस 27 का कितना है, 3 है, उसके बाद 8 का कितना है, 2 है। तो जब हम सब ये ऐड करेंगे तो कितना, 7 और प्लस 3 10 हो गया, तो 10 बीच में है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जब इसमें जाएंगे ये वाला में तो कितना है, कहने मतलब 25 का, 125 का कितना है, 5 है, 125 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 प्लस उसके बाद 8 का 2 प्लस 64 का 4 प्लस 27 का 3। तो जब ऐड करेंगे तो 7, 7 दो 9, 9 9 5 14 का 14 है, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग इस ऑप्शन में जाएंगे 27 जो निकालना है उसे, उसमें तो कितना होगा, 3, 27 का 3 हो जाएगा क्यूब रूट, और उसके बाद 216 का कितना हो जाएगा, 216 का 8 होगा, नहीं 266 हो जाएगा, 6 प्लस उसके बाद 4 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसमें, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3 18, और ऑप्शन नंबर डी में 18 है। तो इस तरह से 18 से आप जा सकते हो उसमें, तो उसमें इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं हुआ, 18 ऑप्शन से आप जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जो ये 5 है और यहाँ पर 12 है, ये दोनों को एक जगह जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 और जब 12 को एक जगह जोड़ेंगे तो 5 प्लस 12 तो कितना, 17 हो गया। और ये दोनों को जोड़कर और माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये 2 2 और प्लस 6 कर कर तो कितना हो गया, 17 माइनस 8 हो गया, तो कनेक्ट मतलब 9 हो गया। तो यहाँ 9 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा कर रहे हैं, जैसे जब इसमें जाएंगे तो हम लोग 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18, आ 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें यहाँ पर व्हाट वाला कहाँ है, यहाँ पर व्हाट यहाँ पर है, तो हम जब 7 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 1 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 10 10 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना, 5 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए 5 इज द राइट आंसर हियर। इस तरह से 5 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 47 में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से हम लोग 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 4 करेंगे तो कितना, 10 10 और 10 30 और 13 फोर जा 120, 120 हो जाएगा। और 120 में हमें 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 से इसमें टोटल 120 है, उसमें 10 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए रिमाइंड क्वेश्चन आ रहा है 12। तो हमें सेकेंड वाला में देखना है लगा कर ये थ्योरी। सेकेंड में क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2 है, तो जब इंटू करेंगे तो जैसे 15, 15 छक 90 और 90 दुना कहीं मतलब 180 हो गया, 80 और डिवाइडेड बाई जब हम 10 करेंगे तो कितना, 18 आ जाएगा, 18 ठीक है। तो ये सब पैटर्न दोनों में पैटर्न फ्लो हो रहा है, इसीलिए हमें ये इंटू कर कर और डिवाइड करने वाला आइडिया ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसे इंटू करते हैं, यहाँ पर जब ऑप्शन निकालने वाला में तो 5 है, 5 है, 5 इंटू कितना है, 9 2 है, उसके बाद क्या है, 2 है, फिर
फिर उसके बाद क्या है, 9 है। तो जब इतना है तो उसके बाद हम लोग डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, तो क्या ये तो दोनों तो कट गया ना, ये दोनों कट गया, तो 9 2 18, 18 ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी में 18 है, 18 से हमें चल जाना है। ठीक है, ये हो गए इस तरह से 18 से चल जाना। तो अब क्वेश्चन नंबर, अब 50, 50 देखे क्या, 50 क्या, जब आप इसमें ये करोगे, इस तरह से करोगे क्वेश्चन में, तो देखो कैसा होगा। आपने जैसे कि ये 5 × 3, 48 का मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, 5 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 × 3 करोगे तो कितना, 15 हो जाएगा। और माइनस करोगे जाकर कि 2 1 × 2 कर तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये दोनों नंबर का, ये जो साइड वाला का है 5 3 का, उसे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा कि नहीं, और 1 × 2 को मल्टीप्लाई कर माइनस करोगे तो कितना, 13 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पर देखो, ये जब 4 × 5 को करेगा तो कितना होगा, 20 होगा कि नहीं, 20 हो जाएगा। और कहने का मतलब 1 × 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 3 होगा। तो 20 − 3 करोगे, 20 − 3 करोगे तो कितना, 17 हो जाएगा कि नहीं, 17 है। सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। और देखो, जब यहाँ पर तुम 5 6 × 6 × 5 करोगे तो कितना, 30 हो जाएगा कि नहीं, 30 हो जाएगा। और 1 × 4 करोगे और 30 − 4 करोगे तो कितना, 26 आएगा। लेकिन पहला वाला जो ऑप्शन है, जो आपके पास है, वो ऑप्शन 21 25 27 29, कहीं पर भी 26 दिया ही नहीं है। तो उस वक्त पर ये रूल अप्लाई होते हुए भी इसका आंसर वो नहीं होगा 26। लेकिन ऑप्शन में अगर 26 रहे तो ऑप्शन नंबर हम बी से जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में मैंने 26 रखा है, तो ऑप्शन नंबर 26 बी से हम जा सकते हैं। और 29 को मैंने यहाँ पर हटा दिया है ऑप्शन से। और जब 29 वाला ऑप्शन रखेंगे हम लोग, इसमें हमें 5 5, ये ऊपर वाला, ये जो है इस तरह का, 1 मिनट, 5, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5 का मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, और इधर का जो है, इधर का कितना, 3 1 × 3 का मल्टीप्लाई करना है, और कितना होगा, 13 होगा। इस तरह से 13 आ गया। उस तरह से जब इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × कितना होगा, 4, प्लस 1 × 5, कहने का मतलब 12 + 5 17 हो जाएगा। और फिर जब हम लोग उसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 × 4, 4 × 6 करेंगे तो कितना, 24 हो जाएगा। और प्लस 1 × 5 करेंगे तो 5, कितना, 29 हो जाएगा। तो हमें 29, इसमें ऑप्शन में 29 है डी नंबर में, इसलिए हमें डी नंबर के ऑप्शन से 29 से जाना है यहाँ पर। इसमें क्या किया 49 में आपने, कि मुझे मालूम नहीं कि क्या किया आपने, लेकिन यहाँ पर जो 10 है, ये 10 है, 10 और -8 करेंगे हम लोग, 10 और -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। और यहाँ पर इसे हम लोग देखें, यहाँ पर जब हम लोग, कहने का मतलब 15 - 8 करेंगे, 15 - 8 करेंगे, 15 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इंटू जब हम लोग 7 करेंगे तो 14 होगा, तो 14 है। उसी तरह से इसमें हमें देखना है कि 8 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें कहने का मतलब 9 - 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। उसी तरह से हमें यहाँ पर 2 2, और यहाँ पर कहने का मतलब 3, 2 × 3 कहने का मतलब 6, यहाँ पर 2 × 3 करने का मतलब 6 आंसर आएगा। तो ये व्हाट का जगह पर 6 आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में 6 है, वो 6 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से 9 + 4 कर सेटिस्फाई कर लोगे। और यहाँ पर भी जब तुम अपोजिट साइड में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 7 × 42 होता है 6 प्लस, और यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा। तो करने का मतलब 6 + 5 करने का मतलब 11 हो गया, और 11 है। उसी तरह से हमें इसमें नेक्स्ट में जाएंगे तो कितना है, 50 नंबर में 3 है और 8 है, तो 3 और 8 कितना, नहीं 3 8 नहीं, 27 है, तो 27 है तो 3 हो जाएगा, प्लस 27 / 9 3, और 18 9 9 होगा, तो 12 आंसर होगा इसका। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कितना में है, 12 सी में है, सी से हो जाएगा। इस तरह से आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं क्या? और जो इसमें